नमस्कार दोस्तों, पवन वाघ एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया उनका धन्यवाद। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि 10th में आपको इसके हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के क्वेश्चन आएंगे। और जो बेसिक इसमें बता के रखा है, तीन मेन शेप आपको दे के रखे हैं इस फर्स्ट प्रैक्टिस सेट के लिए। 9.1 जो प्रैक्टिस सेट है वो थ्री शेप्स के ऊपर है। वो है पहला वाला, उसमें देके रखा क्यूबॉइड, सेकंड वाला देके रखा क्यूब, और थर्ड वाला देके रखा सिलेंडर। तो हम एक के बाद एक तीनों शेप्स के जो फार्मूले देके रखे वो देखेंगे। लेकिन देखिए, मैक्सिमम लोग आपको डायरेक्ट फार्मूला बताते हैं, मैं आपको ये बताऊंगा फार्मूला आया कहां से, और उसके बाद हम उसके जो क्वेश्चन है। जैसे क्यूबॉइड स्टार्टिंग में मैंने ड्रॉ करके रखा है, तो क्यूबॉइड से रिलेटेड जितने फार्मूले हैं वो फार्मूले हम देखेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। ओके, आपको किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा। ओके, फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फार्मूले एक बार आप समझ लें तो आपको याद भी करने की जरूरत नहीं रहेगी, आपको हमेशा के लिए वो याद हो जाएंगे। आप खुद अपना फार्मूला बना पाएंगे जब जरूरत पड़ेगी तब। ओके, तो सबसे पहले जो देके रखा है मैंने आपके लिए ड्रॉ करके रखा है क्यूबॉइड। ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड आपने आपकी डेली लाइफ में देख के रखा होगा। देखिए, ये भी एक क्यूबॉइड है। ओके, मेरे पास ये जो डस्टर है ये भी एक क्यूबॉइड है। तो क्यूबॉइड एग्जैक्टली होता क्या है, ये इसके सिक्स फेसेस होते हैं। देखिए, एक फेस ये है, एक फेस ये है, उसके पीछे वाला दूसरा फेस, ये तीसरा फेस, ये चौथा फेस यहां वाला, ये पांचवा फेस और छठवा फेस। अगर आप सारे फेसेस देखो तो हर फेस एक तरह का रेक्टेंगल है। ठीक है, मतलब क्यूबॉइड के जो छह फेसेस होते हैं वो सारे के सारे रेक्टेंगल रेक्टेंगुलर फॉर्म में होते हैं। ओके, तो ये जो छह फेसेस है, ये छह फेसेस में एक फार्मूला आपको देके रखा है टोटल सरफेस एरिया का, एक फार्मूला देके रखा है आपको वर्टिकल सरफेस एरिया का, और एक फार्मूला आपको देके रखा है वॉल्यूम का। ओके, तो जो टोटल सरफेस एरिया ये आता कहां से है? देखिए, सरफेस एरिया मतलब कि ये जो क्यूबॉइड जो बना है, इसके जो फेसेस हैं, इसके हर फेस का अगर मैं एरिया निकाल के उसको प्लस कर दूं तो जो मुझे टोटल सरफेस मिलेगा, जो एरिया मिलेगा, उसी को मैं टोटल सरफेस एरिया कहूंगा। मींस मुझे छह के छह फेसेस का एरिया निकालना है और उसको प्लस करना है तो मुझे मिलेगा टोटल सरफेस एरिया। और अगर मैं सिर्फ इसके चारों ये जो पार्ट्स है, ऊपर वाला और नीचे वाले को अगर मैं छोड़ दूं, मतलब ये जो क्यूबॉइड आपके सामने, मैं इसका ये वाला एरिया छोड़ दूं, ये वाले फेस का, ऊपर वाले फेस का और नीचे वाले फेस का छोड़ दूं, तो मेरे पास जो बचेगा वो होगा वर्टिकल सरफेस एरिया। मतलब आप जिस रूम में बैठे हैं उस रूम में सामने की दीवार का एरिया, पीछे की दीवार का एरिया, इस साइड की दीवार का एरिया और इस साइड की दीवार का एरिया, सिर्फ दीवारों का अगर एरिया आप प्लस कर दे तो वो वर्टिकल सरफेस एरिया होता है। ओके, उसमें फ्लोरिंग छोड़ देते हैं, उसमें ऊपर का पार्ट छोड़ देते हैं। ठीक, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है। ओके, तो मैंने ये जो आपके लिए एक क्यूबॉइड ड्रॉ करके रखा है, उसमें ये जो पार्ट है ये वाला, इसे हम लेंथ ले लें। ठीक है, तो फिर ये भी लेंथ होगा, ये भी लेंथ होगा, ये भी लेंथ होगा। ओके, मैं इससे ब्रेथ ले लेता हूं, ये इसकी ब्रेथ है। ओके, और यहां पर ये जो पार्ट है, दिस वन, ये इसकी हाइट है। ठीक है, ये इसकी हाइट है। तो अब ये पूरा एच, ये भी एच, ये भी एच, ये भी एच, हर जगह एच होगा। अब देखिए मेरे पास कितने फेसेस हैं? सिक्स फेसेस। वन, ये नीचे वाला एक, ऊपर वाला दो, ये तीन, ये चार, और देखिए वन टू, ये आगे वाला एक, पीछे वाला दो, ये थ्री, ये फोर। ठीक है, और ये ऊपर का पार्ट और ये नीचे का पार्ट, देखिए ये वाला फेस और ये वाला फेस, तो कुल मिला के छह फेसेस है। ठीक है, तो मैं यहां पर एक काम करता हूं, सरफेस एरिया का फार्मूला लिखता हूं आपके लिए। सरफेस एरिया, देखिए ये वाला जो फेस है, ये वाला, दिस वन, इसका फेस क्या है, मतलब आप जिस रूम में उसका फ्लोरिंग का फेस क्या है, ये देखिए एल इंटू बी, तो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। अगर ये एल इंटू बी है तो आपके ऊपर का जो फ्लोरिंग है, छत जो है, फ्लोरिंग नहीं, उसको रूफ बोलेंगे हम, तो ऊपर की जो छत है उसका भी एरिया उतना ही होगा, तो एल बी प्लस एल बी, लेंथ इंटू ब्रेथ से हम करेंगे। अब देखिए यहां पर ये जो दीवार है B, इसका ये जो पार्ट है ये B है और ये H है,
एक बात और समझ लीजिए, यहाँ पर जितनी भी साइड्स हैं, जितनी भी एजेस हैं, वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। अगर आपको मतलब ऐसा लग रहा हो कि ये परपेंडिकुलर दिख नहीं रहा, लेकिन परपेंडिकुलर होता है, आप हर रूम के कॉर्नर को देखिए। ओके, तो ये जो दीवार है इसका अगर मैं एरिया निकालू तो वो होगा बी इंटू एच, देखिए बी इंटू एच, तो ये अगर बी इंटू एच है तो ये भी बी इंटू एच होगा, तो प्लस बी इंटू एच प्लस, देखिए अब ये नीचे वाला हो गया, ऊपर वाला हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब ये वाला पार्ट बचा, देखो ये वाला, ये क्या है, ये एल है, और ये देखिए ये हाइट देख रखी है, तो एच इंटू एल लिखिए, एल इंटू एच लिखिए, जनरली आप एच एल लिखो तो ज्यादा अच्छा लगेगा, एच एल, ठीक है। तो एच इंटू एल इसका एरिया हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ के हिसाब से, फार्मूले के हिसाब से एच इंटू एल ये भी, और पीछे वाला जो है ये वाला वो भी हो गया एच एल, ठीक है। तो आपको जो इसको मैं लिख लेता हूं टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, ये है टोटल सरफेस एरिया, टीएसए लिखता है शॉर्ट में, टीएसए टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ऑफ क्यूबॉइड सॉरी। देखिए एलबी एलबी ये टू एलबी हो गया, बीएच बीएच ये टू बीएच हो जाएगा, बीएच इंटू बीएच प्लस बीएच ये टू बीएच हो गया, और एच एल एच एल ये हो गया टू एच एल, ठीक है। मैं टू को कॉमन निकाल लेता हूं, टू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, तो ये हो गया फार्मूला टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ये क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया हो गया, ठीक है। ये एक फार्मूला है जिसका हम यूज करने वाले हैं। इसमें एक और फार्मूला है, वो है वर्टिकल सरफेस एरिया का। वर्टिकल सरफेस एरिया मतलब क्या, कि जो दीवारें खड़ी हैं उसका एरिया, मतलब आपको फ्लोरिंग और रूफ का एरिया छोड़ देना है। तो फ्लोरिंग का एरिया एलबी था, ऊपर का एरिया भी एलबी था, तो मुझे ये दोनों हटा देना होंगे और जो बचे हुए होंगे वो मैं उसमें लिख लूंगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला फार्मूला मैंने यहां पर, इसको फर्स्ट लगा लीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब मुझे सेकंड वाला फार्मूला निकालना है, वो क्या है, वो है वर्टिकल सरफेस एरिया, ठीक है, वो है वर्टिकल सरफेस एरिया। आपकी बुक में एरिया ऑफ वर्टिकल सरफेस ऐसा दिया है। वर्टिकल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होगा, मैंने आपको बताया कि वर्टिकल सरफेस एरिया मतलब ये चारों दीवारें, तो हमको ये दो एल बी छोड़ देना, तो बचेगा क्या हमारे पास, हमारे पास बचेगा टू बी एच बी एच टू बी एच प्लस एच एल एच एल टू एच एल। अब देखिए यहां से टू को कॉमन निकाल दीजिए, तो यहां क्या बनेगा, यहां बनेगा टू बी एच प्लस एच एल। मुझे बताइए क्या कॉमन है, दोनों जगह एच कॉमन है, आप एच को भी कॉमन निकाल लीजिए, टू बी प्लस एच सॉरी टू बी प्लस एल, और इस एच को कॉमन निकाल लीजिए, तो ये हो गया आपका वर्टिकल सरफेस एरिया, वर्टिकल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। तो इस तरह से ये दो फार्मूले आपके हो गए, एक हो गया टोटल सरफेस एरिया का, एक हो गया वर्टिकल सरफेस एरिया। तीसरा जो फार्मूला आता है वो है वॉल्यूम का, तीसरा फार्मूला है वॉल्यूम का। एक बार ध्यान रखिए वॉल्यूम मतलब क्या, वॉल्यूम मतलब कि जो पर्टिकुलर शेप है, अब जैसे मेरे पास ये जो शेप है ये मैंने आपको बताया, इसके अंदर जो स्पेस है पूरा का पूरा अंदर वाला स्पेस, वो उसका वॉल्यूम होगा, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ये होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इस तरह का बॉक्स बनाने के लिए कितनी कार्डशीट लगी, तो आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा। और अगर आपको ये पूछा जाए कि इसका स्पेस कितना है, इसके अंदर का स्पेस कितना है, तो फिर आपको वॉल्यूम निकालना होगा। और एक बात ध्यान रखिए, वॉल्यूम निकालने के लिए एक बेसिक चीज होती है, किसी भी चीज का आपको वॉल्यूम निकालना है तो होता है एरिया ऑफ बेस में हाइट का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। एरिया ऑफ बेस को अगर आप हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको पर्टिकुलरली उस जो शेप, जो भी शेप आपके पास है, मैं भी वॉल्यूम बात कर रहा हूं किसकी, मैं क्यूबॉइड की बात कर रहा हूं, मैंने वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड नहीं लिखा, मैंने सिर्फ वॉल्यूम लिखा है। ओके, तो यहां पर एरिया ऑफ बेस, यहां पर एरिया ऑफ बेस क्या है, इसका एरिया क्या है, इसका एरिया है एल इंटू बी, तो मैं इसको एल इंटू बी कर दूं, इंटू इसकी हाइट में कर दूं, तो ये हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। तो इसी ये एक फार्मूला है, मतलब आपको करना क्या है, आपको तीन फार्मूलों के बारे में आपको उसको पता होना चाहिए। क्यूबॉइड के तीन फार्मूले हैं, एक है टोटल सरफेस एरिया, एक है वर्टिकल सरफेस एरिया, और एक है वॉल्यूम। तो ये तीन ही फार्मूले हमें इसमें देखना है, इसमें डिफिकल्ट बिल्कुल कुछ भी नहीं है। तो ये तीन फार्मूलों को आप याद रखिए, याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूं। और एक चीज, जब आप टेंथ में जाओगे तो इसके आगे के क्वेश्चंस कैसे आएंगे,
एक बात समझ लीजिए, आपको अगर यहाँ पर क्वेश्चन, आपको सिंपल क्वेश्चन देके रखें, टोटल सरफेस एरिया पता करो, आपको लैंड ब्रेथ हाइट देके रखिए, आप वैल्यू पुट करना है, आपको सिर्फ इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है, आपको वर्टिकल सर्फेस एरिया या एरिया ऑफ वर्टिकल सर्फेस आपको पता करना है, तो उसमें आपको इस फॉर्मूले में पुट करना है, आपको वॉल्यूम पूछेंगे तो आपको इस फॉर्मूले में। अब बात कीजिए कि अगर मैं आपको बताऊं कि आपको एक स्विमिंग पूल का एरिया फाइंड आउट करना है, स्विमिंग पूल का सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो स्विमिंग पूल का सरफेस एरिया में एक बात ध्यान रखिएगा कि ये ऊपर का फेस नहीं आएगा, मतलब एक एलबी नहीं आएगा, मतलब उसका आंसर आएगा एलबी प्लस टू बी एच टू एच एल। ठीक है, अगर आपको कहा जाए कि आपकी सिर्फ दीवारों को कलर करना है तो आपको वर्टिकल सर्फेस एरिया में आपको वैल्यू पुट करना होगी। अगर आपको कहा कि आपको सिर्फ रूफ को और फ्लोरिंग को कलर करना है तो उसके हिसाब से आप फेसेस को बदलते जाओगे, उसके हिसाब से आपके फार्मूले बदलते जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो आपका पूरा काम हो गया, मतलब है बहुत सिंपल। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियरली पूरा समझा होगा। क्यूबॉइड के इन तीनों फार्मूले के बाद में, ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इन तीनों फार्मूले के बाद में हम आते हैं क्यूब पर। देखिए पर्टिकुलरली क्यूब और क्यूबॉइड में क्या डिफरेंस होता है, क्यूबॉइड के सारे फेसेस रेक्टेंगुलर होते हैं, अब जैसे ये है इसके सारे फेसेस रेक्टेंगुलर है, तो अब ऐसा शेप जिसके सारे के सारे फेसेस स्क्वायर हो, पता है आपको डाइस जिससे हम 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है, तो वो होता है क्यूब। ठीक है, उसके सारे फेस स्क्वायर होते हैं, मतलब हर फेस का एरिया सेम होगा। ओके, तो सबसे पहले मैं यहां पर आपके लिए एक क्यूब ड्रॉ करता हूं और उसके बाद उसके लिए फार्मूले कैसे आएंगे वो मैं आपको बताता हूं। ये देखिए मैंने आपके लिए क्यूब ड्रॉ करके रखा है, उसके सारे के सारे फेसेस जो हैं वो स्क्वायर में है, मतलब उसकी हर साइड जितनी भी एजेस हैं वो सारी की सारी सेम है। तो सपोज इसकी एक जो एज है ये एल है, तो ये भी एल होगी और ये भी एल होगी, आपको लग रहा होगा पास में, मैंने थोड़ा सा उसको बनाते समय अलग टाइप से बनाया है। ओके, तो ये इसके सारी जो लेंथ ब्रेथ हाइट जो हम लिखते थे, अब हर जगह उसकी साइड सेम है, हर जगह वो है एल। ओके, तो अब ये देखिए मैंने जो लिख के रखा था ये क्यूबॉइड के लिए लिख के रखा था, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड था, तो मैंने यहां पर लेंथ ब्रेथ करके रखा था। अब मुझे बताइए इसके जो सिक्स फेसेस हैं वो सिक्स फेसेस क्या होंगे, वो सिक्स फेसेस हमको यहां पर लिखना है। ठीक है, उनके एरिया लिखना है। तो देखिए पहला वाला फेस ये है, तो कुल मिला के 6 फेस है, पहला वाला जो ये फेस है ये लेंथ इंटू लेंथ, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर। ठीक है, अगर ये एल स्क्वायर है तो ऊपर वाला भी एल स्क्वायर होगा। अब मैंने आपको बताया कि सारी एजेस सेम है, तो सिक्स फेसेस के सिक्स टाइम में एल स्क्वायर लिख लेता हूं, एल स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर। तो ये क्या मिल गया हमें, ये हमें मिल गया 6L² या कुछ जगह पर कुछ बुक्स में 6 × side² भी लिखा होता है। ठीक है, हालांकि जो हमारी टेक्स्ट बुक है उसमें ये वाला फार्मूला देके रखा है। अब आते हैं वर्टिकल सर्फेस एरिया पर। वर्टिकल सर्फेस एरिया मतलब चारों जो वॉल्स है उसका एरिया, तो चार फेसेस का एरिया, ये यहां पर 6 फेसेस का एरिया था L² 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 6 टाइम। तो उसी तरह से जब हम वर्टिकल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालेंगे तो उसके लिए हमको 4 फेसेस का एरिया लिखना होगा, और 4 फेसेस का एरिया क्या होगा भाई, 4 बार एल स्क्वायर लिखना है हमें, तो यहां लिखिए एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो ये हो गया 4L², ये हो गया 4L², 4 × side² भी आप कह सकते हैं, इट इज अप टू यू। ओके, इसको आप इस तरह लिख सकते हैं। तो ये वर्टिकल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड मैंने लिख के रखा है, इसको हम कर दें यहां पर क्यूब, क्योंकि ये क्यूब का वर्टिकल सरफेस एरिया है। ओके, चारों जो फेसेस हैं सब एल स्क्वायर के हैं, एल स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर, तो हो गया 4L². ओके, अब आते हैं वॉल्यूम पर। तो वॉल्यूम भी यहां पर चेंज हो जाएगा, बहुत सिंपल सा है, आपको अगर वो कॉन्सेप्ट समझ में आया तो ये कॉन्सेप्ट इजीली आएगा। अब मैंने क्या कहा आपको, एरिया ऑफ बेस, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, तो एरिया ऑफ बेस क्या हो गया, ये तो एल स्क्वायर है। ठीक है, तो हाइट कितनी है, इसकी हाइट भी एल है, तो ये हो गया एल क्यूब, तो इसको आप वॉल्यूम को एल क्यूब लिखिए, या वॉल्यूम को आप कुछ बुक्स में आपको साइड क्यूब भी देके रखा होगा, तो दोनों का मतलब एक ही है। ओके, एक बात ध्यान रखिए कि जब टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं तो इसका यूनिट स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर में होता है, ये स्क्वायर सेंटीमीटर या स्क्वायर मीटर या स्क्वायर फीट में होगा, और ये जो होगा ये वाला, इसका यूनिट होगा क्यूब सेंटीमीटर क्यूब मीटर। ओके, और या क्यूब फीट में। ओके, फीट में जनरली नहीं आता, क्वेश्चन जो हमारे आते हैं वो सेंटीमीटर मीटर वाले ही आते हैं। एक और बात, जब आप इन क्वेश्चन को सोल्व करोगे, क्यूब क्यूबॉइड या सिलेंडर किसी भी क्वेश्चन आप सोल्व करोगे, तो जो यूनिट है लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों की यूनिट एक जैसी आना चाहिए, मतलब लेंथ और ब्रेथ अगर सेंटीमीटर में देके रखा है
और क्या कहते हैं हाइट मीटर में देके रखी है, तो आपको उस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा या फिर इन दोनों सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा। ओके, अब आते हैं हम तीसरा जो शेप हमको देके रखा है वो है सिलेंडर। उसके तीन फार्मूले हम देखते हैं। देखिए पहले तीन फार्मूले हमने क्यूबॉइड के देखे, अब ये तीन फार्मूले हमने देखे क्यूब के, और अब तीन फार्मूले हम देखते हैं सिलेंडर के। आइए अब देखते हैं सिलेंडर को। ये हमारा तीसरा शेप है सिलेंडर। इसके जो रेडियस है, बेस की रेडियस बोलिए या अपर रेडियस बोलिए, आर होती है, और जो ये हमने हाइट लेके रखी है इसको एच लीजिए। ओके, अब देखिए आप सोचेंगे सर कि सिलेंडर बनता कैसे है। मेरे पास आपकी ये टेक्स्ट बुक है, अगर मैं इसको रोल कर दूं ऐसा, ठीक है, तो क्या बना ये? देखिए ये बना सिलेंडर, ये बना एक सिलेंडर। ओके, ये जो फेस है, ये देखिए ये वाला फेस सर्कुलर फेस है, ये वाला फेस भी सर्कुलर फेस है, और ये यहां पर इसकी ये हाइट है। ओके, अब बात आती है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। बात आती है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ओके, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला अगर आपको निकालना है तो बात समझिए, आपको निकालना है एक इस सरफेस का एरिया प्लस इस सरफेस का एरिया, और ये सिलेंडर जिससे बना है इस बुक से, इसका एरिया। ओके, तो ये कैसे निकालेंगे हम? देखिए मैं अभी आपके सामने, मैंने ये जो शेप बनाया, ओके, मैंने आपको क्या कहा कि आपको टोटल सरफेस एरिया लिखने के लिए इस टेक्स्ट बुक में ये जो ऊपर का एक सर्कुलर फेस, नीचे का सर्कुलर फेस, मुझे बताइए सर्कल का एरिया क्या होता है? अगर मैं आपको कहूं कि ये जो सर्कल है इसकी रेडियस आर है, तो इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। अगर ये पाई आर स्क्वायर है तो ये ऊपर वाला क्या होगा? ये भी होगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब फिर ये जो कर्व पार्ट है ये वाला, ओके, ये जो बुक मैंने लेके रखी थी इसका ये वाला जो भाग है, ये वाला, इसका मैं एरिया कैसे निकालूं? इसका एरिया निकालने के लिए मैंने जब इसको ऐसा रोल किया, ओके, ये आपको सिलेंडर बताया, ये सिलेंडर है आपके सामने, ओके, लेकिन मैंने इसको ओपन किया तो क्या बनाइए, ये रेक्टेंगल के फॉर्म में है। ओके, अगर ये रेक्टेंगल के फॉर्म में है तो फिर इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, जो भी होगा लेंथ इंटू ब्रेथ हम निकालेंगे। तो अब मैंने देखिए वापस को रोल किया, आपको पता है कि इस पार्ट की लेंथ कितनी है, जो मैंने इसको ओपन किया, ये ब्रेथ कितनी है इसकी, सॉरी लेंथ तो हम इसको लेंगे, ये ब्रेथ कितनी है, इसका ये पार्ट कितना है, मैं इसको रोल कर देता हूं फिर से। ये है गोल पार्ट, में देखिए ये सर्कुलर शेप में है, ठीक है, ये अगर सर्कुलर शेप में है तो ये होगा 2 पाई आर सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, तो इसकी जो ये होगी ये सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, तो इसका एरिया निकालने के लिए सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इनटू हाइट। देखिए मैं फिर से इसको करके बताता हूं आपको, ये जो बुक है ये मैं इसको रोल कर दिया, ठीक है, इसको रोल करने के बाद में ये है 2 पाई आर और इसकी ये हो गई हाइट, तो 2 पाई आर इंटू एच। ओके, तो यहां पर मैं करता हूं इसका, इसका जो एरिया बन रहा है, ये कर्व सरफेस एरिया जो बन रहा है वो बन रहा है 2 पाई आर एच। ओके, तो ये क्या आया, पाई आर स्क्वायर आया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। देखिए 2 पाई आर दोनों में कॉमन है तो मैं 2 पाई आर कॉमन निकालता हूं, ये हो गया आर प्लस एच, तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ओके, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला ये आ गया। अब आती है बात कि इसका वर्टिकल सरफेस एरिया बोलिए। देखिए फर्स्ट फार्मूला ये हो गया, सेकंड क्या है इसका, सेकंड फार्मूला आप कैसे निकालेंगे, सेकंड फार्मूला आएगा यहां पर, सॉरी फॉर दिस, इसको तरीके से लिख लें, वो है वर्टिकल सरफेस एरिया। वर्टिकल सरफेस एरिया मतलब ये वाला कर्व वाला पार्ट। ओके, वर्टिकल सरफेस एरिया, वर्टिकल सरफेस एरिया, वर्टिकल सरफेस एरिया मतलब क्या हो गया, एरिया, वर्टिकल सरफेस एरिया क्या होगा, ये देखिए ये वाला पार्ट, क्योंकि ये बेस का एरिया है, ये ऊपर के टॉप का एरिया है, तो बचा हुआ जो है वो 2 पाई आर एच, ठीक है, 2 पाई आर एच। मैं आपको फिर से बता दूं कि मैं अगर इसको ओपन करूं तो मुझे एक रेक्टेंगल मिलेगा। ओके, ये इसकी हाइट एज इट इज रहने वाली है और ये जो इसकी लेंथ है ये 2 पाई आर होगी, क्योंकि ये सर्कल का सर्कमफेरेंस है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई आर एच होगा। ओके, तो वर्टिकल सर्फेस एरिया 2 पाई आर एच होगा। वर्टिकल सर्फेस एरिया को कर्व्ड सर्फेस एरिया भी कहते हैं क्योंकि वो इस तरह के शेप में होता है। ओके, तो वो होगा कर्व्ड सर्फेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसको कर्व्ड सर्फेस एरिया भी कहते हैं, और ये होता है
टू पाई आर एच। ठीक है, अब एक बात समझ लीजिए, अभी तो जो क्वेश्चन है वो सिंपली इसी टाइप के हैं, लेकिन अगर आपको ऐसा कहा जाए कि एक कैन है और उसको ऊपर का लीड नहीं है और फिर आपको सरफेस एरिया उसका निकालना, टोटल सरफेस एरिया निकालना, तो आप एक पाई आर स्क्वायर नहीं लोगे क्योंकि ऊपर का लीड नहीं है। ओके, इस तरह से आपको अलग अलग जब कंडीशंस बनेगी उसके हिसाब से मैं आपको समझाते जाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट, आई एम विथ यू। ओके, तो ये हो गया टोटल सर्फेस एरिया, ये हो गया वर्टिकल सर्फेस एरिया। मैंने अभी आपको थर्ड फार्मूला बताना है, दैट इज वॉल्यूम। मैंने वॉल्यूम के लिए आपको एक फार्मूला दिया था स्टार्टिंग में, मैंने बताया था कि किसी भी शेप का वॉल्यूम अगर निकालना है तो मैंने आपको कहा था कि एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट हम लिखते हैं, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट कीजिए तो यू विल गेट द वॉल्यूम। ओके, तो इसका एरिया ऑफ बेस क्या है, ये तो नीचे का जो है ये सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर, और हाइट इसकी एच है तो ये आ गया पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ओके, तो यहां पर भी ये तीन फार्मूले आपको देखना है, टोटल सरफेस एरिया, वर्टिकल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ओके, और वॉल्यूम। बहुत सिंपल है, डिफिकल्ट नहीं है, और ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि इस टॉपिक में आपको जब आगे नेक्स्ट ईयर आप जब करोगे, अभी तो आप पूरे क्वेश्चन करने वाला हूं मैं, आपको पूरे क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अगर आपको ये अभी समझ गया तो नेक्स्ट ईयर तो आप चुटकी बजाते उसको करोगे। ओके, और नेक्स्ट ईयर भी आप अच्छे से करोगे। जिन लोगों ने इसको इस वीडियो को जो लोग देख नहीं पाए, डोंट वरी अबाउट इट, मैं उसको भी उस समय भी बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, आई एम विथ यू। ओके, अब हम करते हैं इसका प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस सेट 9.1। और एक और बात ध्यान रखिए कि इस वीडियो के बाद में मैं क्वाड्रिलेटर का अगला वीडियो अपलोड करने वाला हूं। ओके, तो डोंट वरी अबाउट इट। आइए अब क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं प्रैक्टिस सेट का। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड शेप बॉक्स ऑफ मेडिसिन या मेडिसिन बॉक्स इज 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। मींस यहां में देखे रखा है लेंथ जो है वो 20 है, ब्रेथ जो है वो 12 है और हाइट जो है वो 10 है। ओके, और तीनों के तीनों की यूनिट है देखे रखिए सेंटीमीटर में। फाइंड सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द गिवन बॉक्स। मैंने आपके लिए एक क्यूबॉइड बना के रखा है। ओके, रफ शेप हमेशा बनाइए। लेंथ देखे रखिए 20 सेंटीमीटर, ओके, ब्रेथ देखे रखिए 12 सेंटीमीटर और हाइट देखे रखिए 10 सेंटीमीटर। ओके, मेडिसिन का बॉक्स है। ओके, आपको क्या निकालना है, वर्टिकल सरफेस एरिया निकालना है। वर्टिकल सरफेस एरिया सबसे पहले आपको गिवन क्या है वो लिख लीजिए, व्हाट इज गिवन। मैं इस साइड ही सॉल्व कर रहा हूं क्योंकि जरूरत नहीं पड़ने वाली इस जगह की, वहां शेप देके रखा है इसके लिए उसके पास ही सॉल्व करते हैं। ओके, गिवन क्या है, गिवन है हमें लेंथ देके रखी है 20 सेंटीमीटर, ओके, ब्रेथ देके रखी है 12 सेंटीमीटर और हाइट देके रखी है 10 सेंटीमीटर। ओके, अब इस जो मेडिसिन बॉक्स है उसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट हमें मिल गई, हमें निकालना है सरफेस ऑफ वर्टिकल फेसेस। ओके, व्हाट वी हैव टू फाइंड, मैं सॉल्यूशन लिख लेता हूं डायरेक्ट, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमें जो फाइंड करना है उसमें सबसे पहला क्या निकालना है, हमें निकालना है सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेस। तो सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेस ऑफ क्यूबॉइड क्या फार्मूला होता है, मैंने आपको पढ़ाते समय बताया था, दैट इज 2BH+HL था वो, तो उसको हमने लिखा था B+L और यहां पर H कॉमन निकाल के रखा था। ओके, उसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी टेक्स्ट बुक में जो देके रखा उसके हिसाब से 2L+B × H। ओके, बात एक ही है, आप आगे पीछे लिखिए, इधर लिखिए। अब यहां सीधी सीधी वैल्यू पुट करना है, यहां पर हमें लेंथ कितनी देके रखी है, हमें लेंथ देके रखी है 20 और ब्रेथ कितनी है 12 और हाइट कितनी है 10, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 × 20+ ये हो गया 32 × 10, ये हो गया 64 × 10, इन दोनों का मल्टीप्लाई 64 हुआ, 640 सेंटीमीटर स्क्वायर है, स्क्वायर सेंटीमीटर को लिख सकते हैं। और उसके बाद में हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, यहां लिखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स। फार्मूला क्या होता है टोटल सरफेस एरिया का, 2LB+BH+HL। देखिए इन दोनों के बीच में मैंने कुछ नहीं लिखा, मतलब मल्टीप्लाई की साइन है वहां पर। ठीक है, अब यहां पर वैल्यू पुट कीजिए, 2 L की वैल्यू है हमारे पास 20, ब्रेथ है 12, फिर ये हो गया 12 × H की जगह 10, H की जगह 10 और L की जगह 20, कैलकुलेट कीजिए 2, ये हो गया 240, ये हो गया 120 और ये हो गया 200, 240 और 120 360 और 200 560 में आपको 2 का मल्टीप्लाई करना है तो हो गया 1120 स्क्वायर सेंटीमीटर। बस इतना ही इसको करना था।
अगर आप लिखना चाहें तो टेक दी स्नैपशॉट, उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। आइए अब क्वेश्चन सेकंड करते हैं। यहां देखे रखा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ बॉक्स ऑफ क्यूबॉइड शेप इज 500 स्क्वायर यूनिट। हमें टोटल सरफेस एरिया देखे रखा है, इट्स ब्रेथ एंड हाइट इज 6 यूनिट एंड 5 यूनिट रिस्पेक्टिवली। ब्रेथ और हाइट भी देखे रखिए, 6 यूनिट एंड 5 यूनिट। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द बॉक्स, वो बॉक्स जो है उसकी लेंथ कितनी है हमको वो पता करना है। ओके, तो सबसे पहले यहां पर लिखिए गिवन। गिवन में हमें क्या देके रखा है, हमें देके रखा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड शेप बॉक्स या क्यूबॉइड। ओके, वो क्या देके रखा है, दैट इज 500 स्क्वायर यूनिट। ओके, आप यहां बॉक्स भी लिखेंगे तो चलेगा। इट्स ब्रेथ एंड हाइट इज 6 यूनिट एंड 5 यूनिट। ब्रेथ कितनी देके रखी है, 6 यूनिट है। हाइट कितनी है, 5 यूनिट। हमने यहां जो क्यूबॉइड बना के रखा है हम उसमें यहां पर लिख लें, इसे 6 लिख लें, 6 यूनिट ब्रेथ। और ये कितनी हाइट, ये हाइट है 5 यूनिट। ओके, वी हैव टू फाइंड दिस लेंथ, तो उसको एल रहने दीजिए। ओके, टू फाइंड में लिख लीजिए, क्या फाइंड करना है हमें, टू फाइंड, हमें फाइंड करना है इसकी लेंथ। ओके, वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द बॉक्स। ठीक, अब हम इसको डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं। यहां पर कैसे सॉल्व करेंगे, हमें जो टोटल सरफेस एरिया दिया है हम उसको लिख लें पहले। ओके, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, और इसके पहले आप यहां लिख लीजिए, सपोज लेंथ ऑफ द बॉक्स इज एल यूनिट, उसकी जो लेंथ है वो एल है। टोटल सरफेस एरिया क्या देके रखा है हमें, हमें देके रखा है 500 स्क्वायर यूनिट। ओके, मैं सिर्फ 500 लिखता हूं। टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला हम लिखें यहां पर, दैट इज 2 एलबी प्लस बीएच प्लस एचएल इज इक्वल टू 500। ओके, वैल्यू पुट करते हैं, 2 एल कितना है, एल को एल लिखिए, इनटू बी है 6, बी है 6, एच है 5, एच है 5, लेंथ है एल, एंड दिस 500 एज इट इज। ठीक है, अब एक काम कीजिए, इस 2 को आप अभी ये रहने दीजिए, ये हो जाएगा 6L प्लस 6 5 30 प्लस 5 इंटू एल, 5L इज इक्वल टू 500। ये 2 इसके अपॉन में दीजिए, ये देखिए यहां पर ये 2 अगर इसके अपॉन में जाता तो यहां क्या बचेगा, 6L प्लस 5L हो जाएगा 11L प्लस 30, और ये 2 इसके अपॉन में जाएगा 500 के, तो 500 अपॉन 2, ये हो गया 11L प्लस 30 इज इक्वल टू, ये हो गया, इसका हाफ करेंगे तो ये आएगा 250। 250 को मैं इस 30 को सेट शिफ्ट करता हूं, ये आएगा 11L इज इक्वल टू 250 माइनस 30 होगा, देखिए प्लस 30 है इस साइड जाके, माइनस 30 हो जाएगा, तो यहां आएगा 11L इज इक्वल टू 220, तो L आ गया 220 अपॉन 11, मींस ये हो गया 20 यूनिट। आपको यूनिट में लिखना है क्योंकि सारी की सारी जो यूनिट्स देखे रखी थी वो यूनिट में ही देखे रखी थी। इस क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता था कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, मतलब फिर आपको L निकालना होता और उसके बाद में फिर आप उसका वॉल्यूम निकालते। ठीक है, तो वॉल्यूम के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते, यू विल गेट द वॉल्यूम ऑफ दैट बॉक्स। तो इस तरह से इसको करना था। अगर आप लिखना चाहें तो टेक द स्नैपशॉट, उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आइए अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखे रखा है, साइड ऑफ द क्यूब इज 4.5 सेंटीमीटर। जो साइड है उसकी, क्यूब की जो साइड देखे रखिए 4.5 सेंटीमीटर है। फाइंड सरफेस एरिया ऑफ ऑल वर्टिकल फेसेस एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। आपको सरफेस एरिया ऑफ ऑल वर्टिकल फेसेस निकालना है, मतलब वर्टिकल सरफेस एरिया निकालना है और टोटल सरफेस एरिया निकालना है। बहुत सिंपल है, देखे रखा है क्यूब के लिए। ओके, गिवन लिखिए, गिवन में क्या है, साइड ऑफ क्यूब देखे रखिए, साइड ऑफ क्यूब क्या है, दैट इज 4.5 सेंटीमीटर। ओके, हम इसको एल इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। ओके, क्या फाइंड करना है, टू फाइंड हमें फर्क पता करना है, हमें वैल्यू निकालनी है टोटल सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस। तो वर्टिकल सरफेस एरिया हमें निकालना है और हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, दो चीजें हमें निकालनी है। ठीक,
अब दोनों चीजें बहुत इजीली निकलेगी। मैंने आपके लिए यहां पर एक क्यूब ड्रॉ करके रखा है। ओके, वर्टिकल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? वर्टिकल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सॉरी, वो होता है 4L स्क्वायर। ठीक है, तो 4L कितना है? L है 4.5, तो 4.5 स्क्वायर, तो 4 × 4.5 का स्क्वायर क्या होता है? 4.5 को 4.5 में मल्टीप्लाई करना। ओके, और जब 4.5 को 4.5 में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये होगा 20.25। आप सोचेंगे कैसे निकाला? देखिए, जब भी ऐसे किसी नंबर का आपको स्क्वायर पता करना है जिसके आखिरी में 5 हो, जैसे 25 का स्क्वायर निकालना है, 35 का स्क्वायर निकालना, 45 का स्क्वायर निकालना, यहां जो नंबर होता है ना उसको एक बढ़ा दो और उसके आगे 25 लगा दो, एक बढ़ा दो तो ये हो गया 3, 3 × 2 = 6, 6 के आगे 25 लगा दो, 3 के में एक बढ़ा तो 3 में एक बढ़ा तो 4 हो गया, 4 × 3 = 12, 12 के आगे 25 लगा दो, 1, 2, 2, 5, ये 4 है, 4 के आगे लगाया तो कितना हो गया 5, 5, 4 = 20, 20 के आगे 25 लगा दो, 20.25। ओके, और जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल कम 81, और ये काय में देखे रखा है, ये सेंटीमीटर में देखे रखा है, तो 81 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये इसका हो गया वर्टिकल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है टीएसए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालना है, टीएसए ऑफ क्यूब। फार्मूला क्या होता है? वो होता है 6L स्क्वायर। ठीक है, 6 एज इट इज और L स्क्वायर मतलब 4.5 का स्क्वायर, तो आपको क्या करना है? आपको 4.5 के स्क्वायर में 6 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 4.5 का स्क्वायर अभी हमने लिखा था वो था 20.25 को 6 में जब मल्टीप्लाई करेंगे विल गेट 121.50 स्क्वायर सेंटीमीटर। बस इस तरह से इसको करना था, बहुत सिंपल एक क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है। ओके, आप इसको इजीली कर सकते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखे रखा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 5400 स्क्वायर सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया देखे रखा है क्यूब का। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ऑल वर्टिकल फेसेस। आपको टोटल सरफेस एरिया देखे रखा है, ठीक है, टीएसए ऑफ क्यूब दैट इज 5400 स्क्वायर सेंटीमीटर। हमें क्या पता करना है? हमें वर्टिकल सरफेस एरिया पता करना है, वीएसए ऑफ क्यूब हमें पता करना है। ठीक है, या उसको जिस तरह से लिख रखा है द सरफेस एरिया ऑफ ऑल वर्टिकल फेसेस। ओके, बात घुमा फिरा के बात वही है। ठीक है, मैं डायरेक्ट इसको यहां पर सॉल्व करता हूं, उसका सॉल्यूशन करता हूं। क्या देखे रखा है हमें? टीएसए देखे रखा है, टीएसए ऑफ क्यूब देखे रखा है, तो टीएसए ऑफ क्यूब, टीएसए ऑफ क्यूब है 5400 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, यहां पर टीएसए का फार्मूला क्या होता है? वो होता है 6L स्क्वायर इज इक्वल टू 5400। तो L स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? 5400 अपॉन 6, 6 के टेबल में 54 होता है 9 टाइम, तो L स्क्वायर हो गया 900। ओके, आप चाहे तो यहां पर इसका L निकाल सकते हैं। इसके अगली स्टेप में आप इसको क्या करेंगे? देखिए, मैं इसके आगे आपको दो तरीके से बता देता हूं। आप चाहे तो उसका L निकाल सकते हैं, तो L स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? 900 को आप 30 स्क्वायर लिख लीजिए, तो L हो गया 30। ठीक है, ये इसका लेंथ आ गया। अब आपको निकालना है वर्टिकल सरफेस एरिया, तो वर्टिकल सरफेस एरिया आप निकालिए। वर्टिकल सरफेस एरिया क्या होता है? दैट इज 4L स्क्वायर होता है, तो 4 × 30 स्क्वायर, तो 4 × 900, ये हो गया कितना? 9 × 4 = 36 स्क्वायर सेंटीमीटर। और आप चाहते तो ये नहीं निकालते, और अगर डायरेक्ट आप यहां लिखते ना L स्क्वायर को रहने देते, उसके बाद यहां लिखते VSA वर्टिकल सरफेस एरिया और इसका फार्मूला लिखते दैट इज 4L स्क्वायर, तो क्या होता? 4 × L स्क्वायर आप यही लिख देते, 3600 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आप चाहे तो आप ऐसे सॉल्व कीजिए, आप चाहे तो आप ऐसे सॉल्व कीजिए, इट्स अप टू यू। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। मैंने 5 और 6 आपके लिए लिख के रखे हैं, 5 देके रखा है। वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज 34.50 क्यूबिक मीटर, ब्रेथ एंड हाइट इज गिवन दैट इज 1.5 मीटर एंड 1.15 मीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड। आपको लेंथ ऑफ क्यूबॉइड पता करना है, हमको वॉल्यूम देके रखा है, तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज
वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमें देके रखा है 34.50 क्यूबिक मीटर, ठीक है, क्यूबिक मीटर। हमें ब्रेथ देके रखी है, ब्रेथ है 1.5 मीटर, और हाइट देके रखी है 1.15 मीटर। ओके, हमें क्या पता करना है, वी हैव टू फाइंड द लेंथ। ओके, एक काम कीजिए, यहां लिखिए वॉल्यूम इज इक्वल टू 34.50। वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट इज इक्वल टू 34.50। ओके, मैं काम करता हूं, यहां पर लेंथ को एज इट इज लिखता हूं, ब्रेथ की वैल्यू क्या है 1.5, और ये है हाइट 1.15 इज इक्वल टू 34.50। इन दोनों को इसके अपॉन में लाइए। ओके, यहां लिखिए लेंथ इज इक्वल टू 34.50 अपॉन 1.5 इंटू 1.15। एक काम करते हैं, हम इनके सारे के सारे डेसिमल रिमूव कर देते हैं। देखिए, मैं इसका एक डेसिमल रिमूव करूंगा तो यहां आएगा 10, इसको रिमूव कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में, इसको भी रिमूव कर देंगे अगर तो यहां आएगा 100, इसको अगर रिमूव करता तो यहां आएगा 100, क्योंकि डेसिमल के बाद में दो प्लेसेस है। तो मैं इसको लिखते समय अब ऐसा लिख लूं दैट लेंथ इज इक्वल्स टू 34.50 इंटू, ये हो गया 1000, और अपॉन में 15 इंटू 115 इंटू 100। देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये 20 20 कैंसिल, ठीक है। 15 के टेबल में 3450 आता है क्या, देखते हैं। एक काम करते हैं, दोनों को प्लस करते हैं, 3 + 4 ये हो गया 7 7 + 5 12, तो ये 3 से डिवाइड होगा, अभी 15 से डिवाइड करके देखते हैं। 15 1 15 15 2 30, बचता है 4 5 45, तो ये हो गया 15 3 45 और 0 एज इट इज। तो क्या आया है हमारे पास में, ये आया 230 इंटू 10 अपॉन 115, 115 का डबल होता है 230, तो लेंथ हो गया 2 × 10 20, ये काय में देखे रखा है मीटर में, तो 20 मीटर इसकी लेंथ आ गई क्यूबॉइड की। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ कैलकुलेशन आप ध्यान से देखिए। आगे देखे रखा सिक्स क्वेश्चन, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है, उसकी एज देखे रखिए, लेंथ हमें देखे रखी है क्यूब की, दैट इज 7.5। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला लिख लो भाई सीधे सीधे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है एल क्यूब या साइड क्यूब, मींस 7.5 में 7.5 का मल्टीप्लाई, तो 3 times, तो 7.5 × 7.5 × 7.5, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया 7 8 56, 56.25 × 7.5, ये होगा 421.875। और देखिए डेसिमल के बाद में आप सोचेंगे डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया, आप मल्टीप्लाई करके देखिए, यू विल गेट दिस आंसर। और इस डेसिमल के बाद में 3 प्लेसेस है, तो इसको एक काम करते हैं, हम यहां इक्वल ना लगा के इक्वलेंस लगा लेते हैं इस तरह से, और इसकी वैल्यू कर देते हैं 421 पॉइंट, ये 7 के आगे, ये देखिए 7 के बाद में जो अगला है वो 5 या 5 से ऊपर होता है, तो इसको एक बढ़ा देते हैं, तो इसको 88 वॉल्यूम है, ये हो गया हमें सेंटीमीटर में देखे रखा है, ये हो गया क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, इस तरह से इसको करना है, बहुत सिंपल है। तो फोर्थ भी फिफ्थ भी हो गया और सिक्स भी हो गया, अगर आप लिखना चाहें तो टेक द स्नैपशॉट, उसके बाद हम करते हैं अगले क्वेश्चन। आइए अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखे रखा है, रेडियस ऑफ अ बेस ऑफ अ सिलेंडर इज 20 सेंटीमीटर, जो रेडियस है वो 20 सेंटीमीटर देके रखी है हमें। ओके, एंड इट्स हाइट इज 13 सेंटीमीटर, हाइट जो है वो 13 सेंटीमीटर है। एक काम करते हैं, हम सबसे पहले एक सिलेंडर बनाते हैं। ओके, दो लाइन ड्रॉ कर ले हम इस तरह से, ठीक, ये बन गया हमारा सिलेंडर, ठीक है। इसकी यहां पर हमें रेडियस देके रखी है और हाइट देके रखी है। रेडियस ऑफ द बेस इज 20, ये जो है 20 सेंटीमीटर देके रखा है, और जो हाइट हमें देके रखी है वो है 13 सेंटीमीटर। हमें क्या पता करना है, हमें कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया पता करना है। सबसे पहले हम लिख रहे हैं फोर सिलेंडर, आर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर और हाइट देके रखी है
13 सेंटीमीटर। क्या पता करना है? कर्व सरफेस एरिया। सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया हम फाइंड करें, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया होता है 2πRh। ओके, हमें क्वेश्चन में बता के रखा है कि पाई की वैल्यू हमें 3.14 पुट करनी है। ओके, तो एक काम करते हैं, 2 को हम एज इट इज लिखते हैं, पाई को लिखते हैं 3.14 इंटू आर जो है 20 और हाइट जो है 13। 3.14 एज इट इज, 2 into 2, 2 to the 4 और 13 4 the 52, 520 into 3.14 ये आएगा 1632.80 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप मल्टीप्लाई कीजिए, विल गेट दिस आंसर। ओके, अब हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला लिखते हैं। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया होता है 2πRh। वैल्यू पुट करते हैं, 2 एज इट इज, पाई की जगह 3.14, आर की जगह पर 20 और ये हो जाएगा 20 प्लस हो जाएगा एच मतलब 13। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, 3.14 एज इट इज रखिए, 20 इंटू 2 हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 33। ठीक है, 3.14 इंटू 3 4 12 कैरी 1 13 20। और अब इसका जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 4144.80 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से इसको करना है, आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे विल गेट दिस आंसर। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर दे के रखा है हमें, वो है दैट इज 1980 एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 15 सेंटीमीटर। रेडियस क्या देके रखिए? 15 सेंटीमीटर देके रखिए। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। मीन्स सपोज हमारे पास में एक सिलेंडर है, छोटा सा सिलेंडर में ड्रॉ करता हूं, थोड़ा बराबर ड्रॉ नहीं हुआ, सॉरी फॉर दैट। इसकी रेडियस हमें देके रखिए 15, हमें हाइट पता करनी है। ओके, क्या करेंगे हम? कट सर्फेस एरिया का जो लिख के रखा है तो उसका फार्मूला लिख लेते हैं। कट सर्फेस एरिया का फार्मूला क्या होता है? वो होता है 2πRh इज इक्वल टू 1980। अब मुझे बताइए आप, इस क्वेश्चन में एक बात क्लियर है कि पाई की वैल्यू हमें 22/7 पुट करनी है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर की जगह पे आप लिखिए 15, एच हमें पता करना है 1980। देखिए जिन क्वेश्चन में आर की वैल्यू दी है, सॉरी जिन क्वेश्चन पे पाई की वैल्यू देके रखी है कि 22/7 पुट कीजिए या 3.14 पुट कीजिए, वो जो दिया ठीक है, लेकिन अगर आपको किसी क्वेश्चन में देके नहीं रखा है कि हम पाई की वैल्यू क्या पुट करें, तो आपको ये देखना है कि अगर R और H ये अगर 7 के टेबल में आते हैं तो 22/7 पुट करना है, और अगर नहीं आते हैं तो देन यू कैन पुट द 3.14। ओके, अब क्या करेंगे हम, यहां पर हम इस H को यहीं रखेंगे, 1980 एज इट इज, ये 7 ऊपर चले जाएगा। ओके, अपॉन में आएगा 2 इंटू 22 इंटू 15। ठीक है, हम 22 को 11 से कट करें 2 टाइम, इसको 11 से कट करेंगे तो 11 बचते हैं 8 8 8 88, 11 8 जा और ये 0 जा, तो हमें h की वैल्यू क्या मिली है? यहां पर देखिए हमें h की वैल्यू यहां मिली है 180 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 15, 15 से 18 कटेगा 12 टाइम्स। ओके, उसके बाद h की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? 12 इंटू 7 अपॉन 2 2 जा 4 के टेबल में 3 टाइम, तो h आ गया 21। ये सब सेंटीमीटर में लेके रखा है तो आंसर हो गया 21 सेंटीमीटर। इस तरह से ये क्वेश्चन था, इस तरह से एक्सरसाइज थी, बहुत सिंपल ये एक्सरसाइज है। इसके बाद मैं आपका पहले सर्कल का एक वीडियो अपलोड करूंगा, उसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दूंगा। डोंट वरी, आई विल ट्राई टू फिनिश दिस चैप्टर इन नेक्स्ट 1 वीक, 1 वीक के अंदर ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम।